डियर स्टूडेंट्स, युवाम की इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी ग्रामर क्लास में आज हम लोग जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सीख रहे हैं उनमें नेक्स्ट सेमी मॉडल वर्ब हम लोग ले रहे हैं और ये सेमी मॉडल वर्ब है यूज्ड टू। ध्यान दीजिए कि ये बेसिकली एक वर्ब है यूएसई यूज, इस वर्ब से ही ये बना हुआ है यूज्ड टू। लेकिन साथ में ये जो यूज्ड टू है एक एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी विशेषता बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके डिटेल में, ताकि आपको कोई भ्रम न रहे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, बहुत से विद्यार्थी जब पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा जब एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो इसका प्रयोग होता है बी यूज टू समथिंग और डूइंग समथिंग, जो मैं डिटेल में भी आपको सिखाऊंगा। तो वर्ब यूज को लेकर साथ में इसका नाउन के रूप में प्रयोग, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग और एक सेमी मॉडल के रूप में यूज टू का प्रयोग, इनके प्रोनंसिएशन, इनके यूजेस, वो सभी चीजें मैं आपको डिटेल में अभी सिखाता हूं। आइए सबसे पहले हम लोग वर्ब यूज ले रहे हैं। जब हम इसको एक वर्ब के रूप में यूज करते हैं इसका, तो पहले इस पर प्रोनंसिएशन पे ध्यान दीजिए। इसका उच्चारण है यूज और ये वर्ब है, यानी इस्तेमाल करना, कोई चीज काम में लेना, कोई चीज प्रयोग करना। जैसे कैन आई यूज योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप काम में ले सकता हूं। आई ऑलवेज यूज द सेम शैम्पू, मैं हमेशा एक ही जैसा शैम्पू यानी एक ही कंपनी का शैम्पू का इस्तेमाल करता हूं, या केवल एक ही कंपनी का शैम्पू काम में लेता हूं। कंटिन्यूअस टेंस है। वी आर यूजिंग एनिमल्स फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, कि हम लोग एनिमल्स को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो ये मॉडल वर्ब के साथ इसका यूज हुआ फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ और ये कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज हुआ। प्रोनंसिएशन पे ध्यान दीजिए, वर्ब के रूप में इसका प्रोनंसिएशन है यूज, लेकिन जब इसको नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका प्रोनंसिएशन है यूज से, यानी यूज। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, वी विल मेक यूज ऑफ योर वास्ट एक्सपीरियंस, कि हम आपका जो एक लंबा अनुभव है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको काम में लेंगे, उसका बेसिकली यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, कंप्यूटर्स हैव मेनी डिफरेंट यूजेस इन मॉडर्न इंडस्ट्री, कि मॉडर्न इंडस्ट्री में कंप्यूटर के अलग अलग प्रयोग होते हैं। तो ये प्लूरल में इसका यूज किया गया है, यूजेस। क्लियर? अब आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल को हम आवश्यकता अनुसार और मीनिंग के अनुसार एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे एक्सपीरियंस्ड टीचर, तो यहां एक्सपीरियंस की पास्ट फॉर्म है एक्सपीरियंस्ड टीचर। जैसे मैंने कहा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, एजुकेटेड पीपल यानी पढ़े लिखे लोग, ए रिटायर्ड पर्सन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक ऐसे ही इस यूज की जो पास्ट फॉर्म है, जो थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, यानी ये एक तरीके से थर्ड फॉर्म के रूप में यूज है। पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो किसी भी नाउन के पहले ये एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रोनंसिएशन होता है यूज्ड। ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब आप सेमी मॉडल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, यानी जब आप इसको यूज करते हैं इस तरीके से यूएसईडी टीओ टू, तो इसका प्रोनंसिएशन होता है यूज टू। फिर इसको आप यूज्ड टू नहीं बोल सकते, लेकिन जब आप इसको पास्ट पार्टिसिपल यानी इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करें तो इसका प्रोनंसिएशन है यूज्ड, वाकायदा डे का साउंड आता है यूज्ड। एज एन एडजेक्टिव बिफोर ए नाउन, जैसे आई बॉट ए यूज्ड कार, या यूज्ड कार से मतलब है सेकंड हैंड कार, यानी पुरानी कार खरीदी, पहले उसको किसी ने यूज किया उसके बाद आपने उसको खरीदा। सो आई बॉट ए यूज्ड कार मीन्स मैंने सेकंड हैंड कार खरीदी। ही सेल्स यूज्ड कार्स,
वह सेकंड हैंड कारें बेचता है, यानी वह पुरानी कारें बेचता है। तो यहां पर ये यूज्ड एडजेक्टिव के रूप में इस यूज वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ किसी नाउन के पहले, क्लियर है। लेकिन जब हम इसको सेमी मॉडल के रूप में पास्ट हैबिट बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो फिर इसका प्रयोग और इसके प्रोनंसिएशन। आइए, अब ये हो गया इसका पास्ट हैबिट बताने के लिए और इसका प्रोनंसिएशन है यूज्ड टू। अब यहां पर कुछ विद्यार्थियों को, कुछ लोगों को मैंने इसको यूज्ड टू बोलते हुए सुना जो कि गलत है। इसका प्रोनंसिएशन है यूज्ड टू एज ए सेमी मॉडल। ये बीते हुए समय की कोई आदत, कोई व्यक्ति बीते हुए समय में अक्सर या हमेशा कोई काम किया करता था लेकिन वर्तमान में नहीं करता है। तो यूज्ड को सेमी मॉडल के रूप में, जो अपना पास्ट इंडेफिनिट का चैप्टर है उसमें डिटेल में हमने इसको समझाया है पास्ट हैबिट बताने के लिए। क्योंकि ये एक सेमी मॉडल है इसलिए मॉडल वर्ब का जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें भी मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पर पास्ट हैबिट में पहले मैं इसका एक बता दूं कि यहां पर इसका प्रयोग कब करते हैं। सो यूज्ड टू यानी पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू इज यूज्ड। अब देखिए यहां पे यूज्ड, सो यूज्ड टू इज यूज्ड पैसिव वॉइस में है, इज यूज्ड यानी इस यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है टू टॉक अबाउट पास्ट, टू टॉक अबाउट हैबिट्स इन द पास्ट। बीते हुए समय में कोई आदत थी, फॉर एक्शंस विच वी ऑलवेज ऑफन यूजुअली डिड इन द पास्ट बट नाउ वी डोंट डू दीज एक्शंस। लेकिन अब हम ये काम नहीं करते हैं, कि ऐसे काम जो बीते हुए समय में हम आदतन किया करते थे यानी हमेशा करते थे, ऑफन प्राय किया करते थे, यूजुअली सामान्य किया तरीके से किया करते थे पास्ट में, लेकिन अब नहीं करते हैं, वर्तमान में नहीं करते हैं, तो हम यूज्ड टू। कोई भी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और यहां पर हमने लगाया यूज्ड टू। और सेमी मॉडल का जो बहुत ही कॉमन रूल है कि सेमी मॉडल पर सब्जेक्ट का चाहे सिंगुलर या प्लूरल सेम फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी बेस फॉर्म का ही प्रयोग होता है मॉडल के बाद। तो यह यूज्ड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव बनाने के इसके दो तरीके हैं जो मैं अभी आपको वन बाय वन यहां पे बताऊंगा। पहले यहां पर आप यूज्ड टू का अफर्मेटिव हो गया और ये पास्ट हैबिट को बताता, जैसे आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन कॉलेज, मैं कॉलेज में फुटबॉल खेला करता था, इट मींस अब नहीं खेलता हूं। पास्ट हैबिट बताता, प्रेजेंट की हैबिट के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए स्पेसिफिकली मैंने यहां लिखा है यूज्ड टू इज यूज्ड ओनली अबाउट द पास्ट हैबिट्स बट फॉर ए हैबिट इन द प्रेजेंट वी यूज नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्तमान के अब पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज प्रेजेंट यानी वर्तमान में किए रेगुलर या आदतन किए जाने वाले काम के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी उठा करता था, ये पास्ट हैबिट है यूज टू गेट अप। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये वर्तमान की आदत है, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। जैसे आई यूज टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मैं सुबह व्यायाम किया करता था, और मैंने कहा कि आई टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग एवरी डे, मैं रोजाना व्यायाम करता हूं, ये प्रेजेंट हैबिट है। तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट यानी वर्तमान की आदत बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, क्लियर। और जब पास्ट हैबिट बताएंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसको ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझें,
क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में दैनिक जीवन में बोलचाल के हिसाब से भी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर इसको आपको लिख के बता दूं यहाँ पर कि अफर्मेटिव में जो भी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर या प्लूरल सभी के साथ पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा यानी बेस फॉर्म का ही प्रयोग होगा। जैसे आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन कॉलेज, मैं कॉलेज में फुटबॉल खेला करता था। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाया करता था। तो यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये टू जो है ये इनबिल्ट है यूज के साथ यूज्ड टू, इसलिए इसके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। जब नेगेटिव बनाएंगे तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप यूज्ड, ये जैसा कि यहां लिखा मैंने कि आप यूज्ड के बाद नॉट लगा दें लेकिन टू के पहले, जैसे दे यूज्ड नॉट टू ड्रिंक कॉफी। दूसरा तरीका है जो कि आप लोग पास्ट इंडेफिनिट में अपनाते हैं कि आप सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करें, यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट। इसके बाद इस जो यूज टू है आप इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल लिया यानी डी हटाइए और सिर्फ हो जाएगा यूज टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। चूंकि ये पास्ट, ये डिड लग चुका है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल है। यदि आप पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग कर देते हैं तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसे फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया जाता है। तो नेगेटिव बनाने के दो तरीके हैं कि या तो आप इस यूज्ड के बाद नॉट और साथ में टू के बाद टू डू समथिंग। जैसे देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, इस वाले को, वी डिड नॉट यूज टू ईट मीट, हम मीट नहीं खाया करते थे। तो इस यूज टू को जो पहले यहां डी लगा हुआ था उस डी को हटा दिया, क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का उपयोग कर दिया। मॉडर्न इंग्लिश में इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, लेकिन जो हमारी परंपरागत व्याकरण है, जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, उसके हिसाब से इस यूज्ड के बाद लेकिन इस टू के पहले नॉट लगाया, दे यूज्ड नॉट टू ड्रिंक कॉफी, वो कॉफी नहीं पिया करते थे। लेकिन इसका जब इंट्रोगेटिव बनाए तो डिड को पहले लगा दीजिए और जो ये यूज टू था इसको यूज कर दीजिए। तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, डिड यू यूज टू गो टू टेम्पल रेगुलरली, क्या आप नियमित रूप से मंदिर जाया करते थे। तो ये सब पास्ट हैबिट को बता रहे हैं यहां तक। इसके अलावा किसी चीज का कोई एग्जिस्टेंस था, यानी बीते हुए समय में, मान लीजिए आप अपने गांव में गए और वहां जिस स्कूल में आप पढ़ा करते थे उस स्कूल को ढहा कर उसे कॉलेज बना दिया, तो आपने कहा कि हमारे ज़माने में यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था। तो एक स्कूल का एग्जिस्टेंस था, उसका अस्तित्व था, लेकिन अब वो स्कूल नहीं है, उसकी जगह कुछ और हो गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देयर यूज टू बी ए स्कूल ऑन दिस साइट, इस जगह पर एक स्कूल हुआ करता था, इट मीन्स वो अब नहीं है वहां पर, बी लगा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। तो ये किसी का बीते हुए समय में कोई एग्जिस्टेंस बता रहा है कि इस जगह पर ऐसी कोई चीज हुआ करती थी। समझ लीजिए आप अपने गांव में गए, पहले वहां पर बहुत से बरगद के बड़े पेड़ थे लेकिन अब समय के साथ वो खत्म हो गए, तो हमने कहा देयर यूज टू बी मैनी बनियान ट्री हियर, कि यहाँ पर बहुत से बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ हुआ करते थे। सो देयर यूज टू बी, क्लियर है? तो फिर इसको समझ लीजिए कि यूज टू पास्ट हैबिट बताता है, तो ये एक सेमी मॉडल की तरह से इसका प्रयोग करते हैं। यानी यूज टू डू समथिंग, कोई व्यक्ति कोई काम बीते हुए समय में किया करता था लेकिन अब नहीं करता है, तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रेजेंट हैबिट के लिए, जैसा कि मैंने इस दो नंबर पॉइंट में बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही
वर्तमान की आदत को व्यक्त किया जाता है। हालांकि बीते हुए समय में ऑलवेज अगर आप लगा दें तो वो भी रिपीटेड एक्शन को बताता है, या फिर पास्ट हैबिट के लिए वुड का प्रयोग भी किया जाता है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब देखिए रिपीटेड एक्शन कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि गांधी जी हमेशा अपने साथ एक डंडा लेकर चलते थे या लाठी लेकर चलते थे, तो हमेशा लाठी लेकर, तो आप कह सकते हैं गांधी जी ऑलवेज कैरीड ए स्टिक विद हिम। सो ऑलवेज से रिपीटेड एक्शन का पता चल रहा है, गांधी जी ऑलवेज कैरीड ए स्टिक विद हिम, कि गांधी जी हमेशा अपने साथ एक डंडा लेकर चलते थे। तो इस ऑलवेज यानी पास्ट इंडेफिनिट में ऑलवेज लगा दिया तो इसका मतलब है कि बीते हुए समय में हमेशा कोई काम हुआ करता था, तो वो रिपीटेड एक्शन को बताता है। नंबर दो, आप यूज्ड टू से कोई काम बीते हुए समय में किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि इन एग्जाम्पल्स आपको मालूम, और फिर मैं बता दूं। अफर्मेटिव में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, आप यूज्ड टू का ही प्रयोग करेंगे और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, दे यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, सी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। नेगेटिव दो तरीके से बनाएंगे, या तो बना आई डिडंट यूज, अब लेकिन जो यूज्ड था, जैसा कि आप देखिए डिड नॉट लग गया, तो ये जो पास्ट फॉर्म थी इसको डी हटाकर प्रेजेंट फॉर्म में बदल दिया। सो वी डिडंट यूज टू ईट मीट, हम मीट नहीं खाया करते थे। सो कहा कि आई डिडंट यूज टू प्ले फुटबॉल, वी डिडंट यूज टू प्ले फुटबॉल, दे डिडंट यूज टू प्ले फुटबॉल, ही डिडंट यूज टू प्ले फुटबॉल, सी डिडंट यूज टू प्ले फुटबॉल। या फिर यूज्ड के बाद टू के पहले नोट लगा दीजिए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो ये जो चैप्टर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पर यूज टू को पास्ट हैबिट बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसलिए ये एक सेमी मॉडल है। पहले मैंने वर्ब के रूप में बता दिया आपको यूज, नाउन के रूप में बता दिया, फिर उसको एडजेक्टिव के रूप में उसका पास्ट पार्टिसिपल किसी नाउन के पहले बताया, और ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर या प्लूरल सभी के साथ आपने यूज टू लगाया, प्रोनंसिएशन मैंने बताई चुका हूं, और इनके बाद सबके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्ले, गो, ईट, ड्रिंक, गो, बी, ये टू तो यूज टू में इनबिल्ट है। ठीक, तो क्या बताता है, हैबिट्स इन द पास्ट, बीते हुए समय में कोई काम किया करते थे, यानी वी डिड इन द पास्ट यूजुअली ऑफन एंड ऑलवेज, बट वी डोंट डू देम नाउ, हम उन्हें अब नहीं करते। पास्ट हैबिट के लिए मैंने आपको अभी भी कहा वुड का प्रयोग भी करते हैं, तो आइए पहले वुड का प्रयोग समझते हैं, साथ में यूज्ड टू और वुड में क्या अंतर हो सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं वुड के आपके सामने, कुछ एग्जांपल देखिए। पहले एक सेंटेंस देखिए, माय ग्रैंडफादर वाज ए रिलीजियस मैन, ही वुड गो टू टेंपल एवरी डे, ये अपने आप में पास्ट बता रहा है कि मेरे दादाजी एक धार्मिक आदमी थे, रिलीजियस मैन थे, वो एवरीडे रोजाना मंदिर जाते थे, ये अपने आप में पास्ट है। तो यहां इस वुड को पास्ट हैबिट के रूप में बता रहा है, तो मैं अंतर बताना भी क्या अंतर है दोनों में, एक से नजर देखिए, ही वॉज ए पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी था, ही वुड ईट द सेम डे वॉट एवर ही अर्न, अपने आप में पूरा पास्ट में मीनिंग है, इट मींस वह ही वुड ईट द सेम डे वॉट एवर ही अर्न, कि जो वो कमाता था सेम डे उसको खा जाया करता था, क्योंकि वो गरीब आदमी था, तो पूरा का पूरा पास्ट है। तो ये वुड अपने आप में पास्ट का मीनिंग बता रहा है। एग्जाम्पल जोर देखिए, रामू हैड ए हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग का मतलब जानते हैं ना आप लोग, दिन में सपने देखना कहते हैं जिसे, क्लियर, मुगेरी लाल के हसीन सपने। सो रामू को डे ड्रीमिंग की आदत थी, यानी काल्पनिक दुनिया में रहना। सो रामू हैड ए हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग, रामू को दिन में सपने देखने की आदत थी, ही वुड बी लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स एंड फॉरगेट द होल वर्ल्ड,
कि वह सपनों में खो जाया करता था और पूरी दुनिया को भूल जाता था। तो इन सब में कहीं ना कहीं पास्ट का रेफरेंस आया। ये अपने आप में पास्ट का रेफरेंस है, ये अपने आप में पास्ट का रेफरेंस है, ये अपने आप में पास्ट का रेफरेंस है। तो बेसिकली अंतर क्या, देखिए जब आप लोग यूज्ड टू को पास्ट हैबिट के रूप में प्रयोग करें, यूज करें, तो इसमें पास्ट टाइम नहीं दिया हुआ है तो भी अंडरस्टूड है कि ये पास्ट हैबिट को बता रहा है। लेकिन वुड के साथ सामान्यतया डायरेक्ट इनडायरेक्ट पास्ट का रेफरेंस आ जाना चाहिए ताकि आपका कंफ्यूजन आपको न हो। क्यों? क्योंकि वुड का यूज प्रेजेंट में भी होता है, वर्तमान की कल्पना करने के लिए भी होता है। इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए यूज टू के साथ तो कोई पास्ट टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, पर वुड का यूज तभी करें जब कोई ना कोई उसका पास्ट का कोई एक्सप्रेशन वहां पे यूज हो। जैसे मान लीजिए आपने कहा जब हम लोग मुंबई में थे, व्हेन वी वर इन मुंबई वी वुड ऑलवेज गो टू सी बीच एंड सिट देयर फॉर आवर्स। जब हम मुंबई में थे तो हम समुद्र किनारे जाते थे और घंटों बैठे रहते थे। तो अब ये किससे सिद्ध हुआ कि वुड का यूज पास्ट में, पहले वाले सेंटेंस है व्हेन वी वर इन मुंबई। अब आपके इन में ये वुड पास्ट में है या फ्यूचर में, ये वुड पास्ट में है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, ये वुड पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर, किससे पता चलेगा? ये जो रेफरेंस आ गया पास्ट का, देखिए यहां पर इनसे। इसलिए अंतर क्या, देखिए मैंने बहुत क्लियरली लिखा, इसको नोट कर लीजिए आप सभी स्टूडेंट। यूज्ड टू, ये पूरा ये गलत लग गया, ये यूज्ड टू एक ही शब्द है। यूज्ड टू एंड वुड बोथ आर यूज्ड टू, अब देखिए ये पैसिव वॉइस या ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसको। सो आर यूज्ड टू रेफर टू पास्ट हैबिचुअल एक्शंस और इवेंट्स, कि दोनों ही पास्ट के आदतन कार्य या घटनाओं को बताता है। हाउएवर वुड विद वुड, हालांकि वुड के साथ, हाउएवर विद वुड इट इज नेसेसरी टू यूज पास्ट टाइम एडवर्बियल एक्सप्रेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो वुड के साथ क्या करना चाहिए, पास्ट का कोई ऐसा टाइम एडवर्बियल एक्सप्रेशन लगा देना चाहिए ताकि वुड के प्रेजेंट और जो अलग इसके जो यूज है उनमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो यूज तो आप पास्ट हैबिट के लिए दोनों कर सकते हैं, यूज टू भी कर सकते हैं और वुड भी कर सकते हैं। पर यूज टू में अगर पास्ट का टाइम नहीं है तो अंडरस्टूड है कि अपने आप में पास्ट है, जैसे आई यूज टू प्ले फुटबॉल। और ध्यान दीजिए प्रोनंसिएशन बहुत जरूरी है कि आप इसको आई यूज टू, अगर आपने इसको आई यूज टू कह दिया तो ये गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर बता रहा हूं, क्लियर? तो ये पास्ट हैबिट, तो पास्ट हैबिट बताने के लिए मैं आपको इसको रिपीट कर दूं फिर से पहले वाले पेज पे ले जाकर, कि पास्ट हैबिट बताने के लिए चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ यूज टू की सेम फॉर्म का प्रयोग होता है और इसके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। टाइम नहीं है तो भी यह अपने आप में पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। निगेटिव बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो डिड नॉट करें और जो डी को हटा दीजिए, यानी जो पास्ट रिप्रेजेंट करा उसको हटा दीजिए, या फिर यूज्ड के बाद और टू के पहले नोट लगा दीजिए, ठीक। तो ये तो हुआ पास्ट हैबिट। डिटेल के लिए आप लोग अपना जो बुक का पार्ट सेकंड में पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल एक्शन समझाए हैं, साथ में पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड को डिटेल में समझाया है, आप उसको वहां पर जाकर देख सकते हैं। आइए अब मैं आपको जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट मैं यहां पर लेकर आया हूं। पहले इन दो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। जब हम लोग यूज टू को सेमी मॉडल रूप यानी मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली आप लोग यूज टू का प्रयोग करें और इसके बाद यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगा दें। ये तो है मॉडल, पर एक इसका यूज और है। यदि इस यूज टू के पहले, अब ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज, देखिए यहां लिखा है इसलिए ये कर एनीवे, यहां पर अब एक एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज करना बता रहा हूं मैं आपको, जो शुरू शुरू में मैं आपको रिपीट करके बताऊंगा।
इस यूज टू का यूज अब एडजेक्टिव के रूप में कैसे होता है? किसी भी एडजेक्टिव को सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए लिंकिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं और ये बी के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। इसलिए यदि सब्जेक्ट के बाद बी का मतलब है प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज एंड वर्ब बी लगा हो, साथ में आप यहां पर यूज्ड टू का प्रयोग करें प्लस यहां पर समथिंग किसी चीज का, तो यहां पर ये जो बी प्लस यूज्ड टू समथिंग और डूइंग समथिंग किसी चीज का या किसी काम को करने का आदि होना अभ्यस्त होना। तो ध्यान दीजिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहां पर वर्तमान समय में यहां पर डिपेंड करेगा बी पर, अगर ये इजार्म के बाद है तो वर्तमान है और वॉज वर है तो पास्ट में है। सो इस यूज टू से तो डायरेक्ट पास्ट हैबिट बताई जा रही है और इसके पहले डायरेक्ट सब्जेक्ट है, लेकिन यदि आपको बी प्लस यूज टू समथिंग और डूइंग समथिंग लगा हो तो फिर ये वर्तमान में या पास्ट में कोई व्यक्ति किसी चीज का आदि है या अभ्यस्त, आदि होना या उस चीज का अभ्यस्त होना या फिर कोई काम करने का आदि होना या कोई काम करने का अभ्यस्त होना, तो फिर ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिए मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं, ये जो आपका यूज टू है इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। पहला है मॉडल वर्ब के रूप में, ध्यान दीजिए यहां पर जब मॉडल वर्ब के रूप में इसका यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब आएगा, ध्यान दीजिए। दूसरा यूज हम इसका करते हैं एडजेक्टिव के रूप में, मैं इसको आपको आगे इस पूरे चैप्टर पर यहां लिख के समझाता हूं। ध्यान दीजिए यूज टू दो यूज है, पहले हम इसको ले रहे हैं मॉडल वर्ब के रूप में, दूसरा हम इसको ले रहे हैं एडजेक्टिव के रूप में, समझिएगा। क्योंकि ये जो विद्यार्थी आप में से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीडीएस एनडीए जो देना चाह रहे हैं, तो कॉमन एरर्स में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या किसी भी रूप में इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ में जो लोग सही और प्रभावशाली अंग्रेजी लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको इस यूज टू के दोनों जो यूज हैं वो ध्यान से दूंगे, मॉडल वर्ब के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में। जब मॉडल वर्ब के रूप में इसका यूज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, ठीक है। लेकिन जब एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज करते हैं ये पास्ट हैबिट को दिखाता है, ये यूज टू किसको दिखाता है, पास्ट हैबिट। जब इसको आप एडजेक्टिव के रूप में यूज करें तो इस यूज टू के पहले बी के पहले यहां पर सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, बी का मतलब है यहां पर इज आर एम वॉज वर, और इस बी के बाद फिर आप लगाइए यहां पर यूज टू। अब इसके बाद यहां तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है, पर यहां कोई ना कोई नाउन लगेगा या फिर नाउन के रूप में जेरेंड का प्रयोग होगा। अब ये जेरेंड क्या होता है ये पहले मैं आपको बता चुका हूं, जेरेंड का मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो उसे जेरेंड कहते हैं। तो इट मींस यहां पर जब इसका यूज इस रूप में करेंगे तो ये एक तरह से यूं लिखा जाता है एडजेक्टिव के रूप में, बी यूज टू समथिंग और डूइंग समथिंग, तो फिर ये यहां पे यूज होता है इसका वर्तमान में या पास्ट में कोई व्यक्ति किसी वस्तु विशेष का यानी किसी नाउन का आदि है अभ्यस्त है। जैसे मान लीजिए हम लोग राजस्थान में अगर रहते हैं तो राजस्थान में हम लोग गर्मी के आदि होते हैं,
अभ्यस्त होते हैं। जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं या हिमाचल में रहते हैं वो लोग ठंड के आदि होते हैं, यानी ठंड के अभ्यस्त हो जाते हैं। कोई लोग रोजाना काम करते हैं तो वो उसके पढ़ाने के आदि, यानी वो काम करने के आदि बन जाते हैं, अभ्यस्त बन जाते हैं। तो दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, यदि बी के बाद यानी इजारे वॉज वर्क के बाद यूज टू प्लस या नाउन मिले तो इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ। क्यों? कि इस एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए यहां पे लिंकिंग वर्ब दिया गया है यूज टू। लेकिन जब पास्ट हैबिट बताते हैं तो ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, यहां पर कोई इजारम वॉज वर्क का प्रयोग नहीं है। अब मैं देखिए कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा एडजेक्टिव के रूप में। आइए ये आप एग्जाम्पल देखिए यहां पर बहुत अच्छे से, बी यूज टू समथिंग और डूइंग समथिंग। इन दो एग्जाम्पल को सबसे पहले समझिए। आई एम यूज टू स्पाइसी फूड, स्पाइसी का मतलब मसालेदार, इसका मतलब है मैं मसालेदार भोजन का आदि हूं, यानी मैं वर्तमान में मसालेदार भोजन खाता हूं, उसका मुझे अभ्यास है, मैं अभ्यस्त हूं। और ये प्रेजेंट है क्योंकि ये एम आ गया। पर अगर आपने इसी सेंटेंस को यूं लिखा, आई यूज टू ईट स्पाइसी फूड, लेकिन हम यहां यूज, देखिए ईट आ गया यहां पर जबकि कोई वर्ब नहीं है स्पाइसी और टू के बीच में, तो ये तो पास्ट हैबिट बता रहा है मैं मसालेदार भोजन किया करता था लेकिन अब नहीं करता। आई यूज टू ईट स्पाइसी फूड। अब आप ये संधि देखिए, आई एम यूज टू स्पाइसी फूड, इट मीन वर्तमान में मैं मसालेदार भोजन का आदि हूं, अभ्यस्त हूं। अब तीसरा सेंटेंस देखिए आप, ये वाला आई एम यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड, ये पास्ट हैबिट है, इजारम का यूज नहीं है और यहां पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये दिखा तो प्रेजेंट रहा है लेकिन इसका मतलब है मैं मसालेदार भोजन खाने का आदि हूं, यानी मैं मसालेदार भोजन करने का अभ्यस्त हूं। चलिए मैं इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल और देता हूं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने यहां पर कहा, सॉरी इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए आप, आई यूज टू स्मोक, सॉरी स्मोक, ये पास्ट हैबिट बता रहा है मैं धूम्रपान किया करता था, इट मीन मैं वर्तमान में नहीं करता हूं। अब मान लीजिए आप वर्तमान में धूम्रपान करने के आदि हैं, आपकी लत है धूम्रपान करने की वर्तमान में, तो फिर आप कह सकते हैं आई एम used to smoking, पर देखिए यहां पर smoking ये noun के रूप में यूज हुआ है, यानी ये gerund के रूप में यूज हुआ है noun, तो मैं ये वाला काम करने का अभ्यस्त हूं, वर्तमान में आदि हूं। तो दोनों में अंतर समझ गया। अब competitive examinations में जिन विद्यार्थियों को used to को adjective और past habit model के रूप में अगर concept clear नहीं है तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कॉमन एरर्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या किसी और रूप में ये गलती कर जाते हैं। इन दोनों सेंटेंस में बहुत बड़ा अंतर है, ये पास्ट हैबिट है मैं धूम्रपान किया करता था, लेकिन इसका मतलब वर्तमान में प्रेजेंट में मैं धूम्रपान करने का आदि हूं। क्लियर हो गया, बहुत बड़ा अंतर है। आइए कुछ सेंटेंस और समझते हैं हम लोग। तो इन दोनों में आप अंतर समझ गए, आई एम यूज टू स्पाइसी फूड, मैं मसालेदार भोजन का आदि हूं, आई एम यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड, मैं मसालेदार भोजन करने का आदि हूं। तो इसका मतलब किसी वस्तु विशेष का आदि होना, इसका मतलब है कोई कार्य विशेष को करने का आदि होना, दोनों में अंतर है। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए आपके सामने मैंने लिखे हैं, जैसे ही इज यूज टू हॉट क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, वह राजस्थान के गर्म क्लाइमेट का आदि है। तो यहां यूज टू के बाद देखिए नाउन आया, देखिए यानी वह राजस्थान के इस गर्म क्लाइमेट का अभ्यस्त है, नाउन का व्यू। नेक्स्ट देखिए, वी आर यूज टू टूरिस्ट हियर इन जयपुर, हम जयपुर में टूरिस्ट के आदि हैं, यानी या तो टूरिस्ट आते रहते हैं तो हम लोग उनकी आदत में रोक देते रहते हैं, तो फिर नाउन आया यूज टू के बाद।
आई वॉज नॉट यूज टू ऑल दैट नॉइज, मैं इतनी नॉइज यानी आवाज का आदि नहीं था. तो ये पास्ट का नेगेटिव है. और यहां पर देखिए अगेन टू के बाद नाउन आया. तो किसी वस्तु विशेष का आदि होना, कहा आदि होना या अभ्यस्त होना या फिर कोई काम करने का अभ्यस्त होना. देखिए आई एम यूज टू टेकिंग टी अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी चाय पीने का आदि हूं. यानी वर्तमान की बात हो रही है और यहां पे टेकिंग आ गया, यानी मैं इस एक्शन का आदि हूं. और देखिए नेक्स्ट, शी इज नॉट यूज टू वेयरिंग साड़ी, यानी वह साड़ी पहनने की आदि नहीं है, उसे अभ्यास नहीं है, वो अभ्यस्त नहीं है. तो यहां अगेन देखिए वो इस एक्शन की अभ्यस्त नहीं है. नेक्स्ट देखिए, वी आर यूज टू डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर्स, हम जो डिफिकल्ट कस्टमर्स हैं उनको डील करने के अभ्यस्त हैं. तो यहां पे डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर्स. तो यहां पर देखिए किसी कार्य विशेष का आदि होना, एक्शन का. और सेंटेंस और देखिए, माई फ्रेंड गॉट, यहां पे गेट और बिकम का कहता ना, मान लीजिए आप नए नए यहां पे आए और आप, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मैंने कहा बहुत जल्दी इसके आदि बन जाओगे. सो वेरी सून यू विल गेट यूज टू दिस हॉट क्लाइमेट ऑफ राजस्थान. सो विल गेट, क्लियर, या यू विल बिकम यूज टू. तो गेट और बिकम का यूज भी किया जा सकता है, गेट और बिकम. ठीक, जैसे सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड गॉट यूज टू टेकिंग ड्रग्स इन कॉलेज, कि मेरा दोस्त कॉलेज में ड्रग्स लेने का आदि हो गया. आदत नहीं थी, वो अभ्यस्त हो गया, उसका लत लग गई उसको. सो गॉट यूज टू, बिकम का भी यूज हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर मीनिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल गेट यूज टू द स्मेल्स ऑफ लेबोरेटरी सून, कि आप शीघ्र ही इस लेबोरेटरी की जो गंध है, जो स्मेल है, उसके आदि हो जाओगे या बन जाओगे. तो यहां पर यूज टू का प्रयोग तीन तरीके से चीज हुआ, यानी बी प्लस यूज टू समथिंग और डूइंग समथिंग, या फिर बी की जगह आप लगा सकते हैं गेट यूज टू समथिंग और डूइंग समथिंग, या गेट की जगह पर लग सकता है बिकम यूज टू समथिंग और डूइंग समथिंग. क्लियर. अब इसका देखिए मीनिंग मैंने यहां लिखा, आप नोट कर लीजिए. बी यूज टू मीन्स टू बी अकस्टम्ड टू, किसी चीज से बिल्कुल पूरी तरीके से फेम, कहना आदि होना, उसका अभ्यस्त होना. अकस्टम्ड टू और बी फेमिलियर विद समथिंग और डूइंग समथिंग, बिकॉज यू डू इट और एक्सपीरियंस इट ऑफन. जब प्राय उस काम को करते रहेंगे तो उसकी आदत बन जाती है, उसके हम लोग अभ्यस्त हो जाते हैं. देखिए फिर मैं आप सब स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, यूज टू, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर इसको दोबारा बता दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर कंफ्यूज करने वाला है. सामान्य क्रिया के रूप में यूज एज ए वर्ब होता है, नाउन के रूप में यूज होता है, और किसी नाउन के पहले पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड कार्स के रूप में, एडजेक्टिव रूप में यूज होता है. पर इंपॉर्टेंट जो इसके यूज हैं उनमें मैंने आपको बताया, एक तो ये यूज टू पास्ट हैबिट बताता है और ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है. दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज है एक एडजेक्टिव के रूप में, बी यूज टू समथिंग और डूइंग समथिंग. यहां पर ये यूज टू एक एडजेक्टिव का काम करता है और इस एडजेक्टिव को सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए यहां पर लिंकिंग वर्ब के रूप में बी का प्रयोग किया जाता है. लिंकिंग वर्ब, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स आर सिंसियर, सो स्टूडेंट्स आर सिंसियर, सिंसियर को स्टूडेंट से जुड़ने के लिए आर का यूज हुआ ना,
ऐसे इस यूज टू का मतलब कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है करता है, ये सब्जेक्ट इस चीज का या इस काम को करने का आदि है, आदि था या आदि बन जाएगा या हो जाएगा. क्लियर? सो यूज टू अपने आप के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सेमी मॉडल के रूप में हमने पढ़ा. तो ध्यान दीजिए कि सेमी मॉडल के रूप में अभी तक आप लोग नीड एंड नेगेटिव में नीड नॉट पढ़ चुके हैं. ये सेमी मॉडल है. साथ में आप लोग पढ़ चुके हैं डेयर और डेयर नॉट. नीड का प्रयोग बहुत किया जाता है, काफी मात्रा में होता है. डेयर का प्रयोग थोड़ा सा नीड की तुलना में कम होता है. लेकिन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका सेमी मॉडल है यूज टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेमी मॉडल के अलावा एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है. तो स्टूडेंट्स एडजेक्टिव और पास्ट इवेंट बताने के लिए मॉडल के रूप में भ्रमित हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं. ये अपनी ग्रामर में मैंने इसको तीन चैप्टर में बांटा है. नंबर एक, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट के चैप्टर में पास्ट हैबिट बताने वाले के लिए यूज किया. फिर मैंने जो मॉडल वर्ब्स का जो चैप्टर शुरू किया तो मॉडल वर्ब्स में भी मैंने इसका यूज किया है. साथ में इस यूज्ड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में जब ये लगेगा बी यूज्ड टू समथिंग और डूइंग समथिंग, तो इसका प्रयोग जब वर्ब टू बी का मैंने यूज किया है उसमें भी इसका प्रयोग किया गया है. तो इसका तीन जगह पर प्रयोग है. इसलिए ये मान के चलिए कि ये ज़्यादा भ्रमित करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझिए. और मुझे उम्मीद है कि आप आराम से इसको समझ गए होंगे. साथ में जो अपनी बुक है इंग्लिश लैंग्वेज में डीजी यूवाम इंग्लिश ग्रामर, आप उसको रेगुलरली पढ़ते रहें. क्योंकि जो भी चैप्टर्स जो भी लेक्चर्स मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ ये सबके सब अपनी बुक यूवाम इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज में डीजी में दिए हुए हैं. आप बार बार इनको पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.